मुझे याद है स्कूल में एक टीचर थे, मैथ्स टीचर, उनका नाम था दीपक अग्रवाल. अच्छा. और वो मुझे बहुत पसंद थे. फिर वो कॉपी करेक्शन कर रही थी, मुझे इतनी जोर से गुस्सा आई कि यार ये झूठ क्यों बोल रही है. मैं पीछे से गया और उनके बैग पे बहुत जोर से काट दिया. कब ये उंगलियां कॉपी पर पेन चलाते चलाते ऑफिस में कीबोर्ड पर चलने लग गई पता ही नहीं लगा. लेकिन स्कूल से यहाँ ऑफिस तक का सफ़र तय करने में एक शख्स जो है ना उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो है टीचर. उन टीचर को हमने कई बार कई दफ़ा इग्नोर किया है, कई बार उनका भला बुरा भी कहा है, लेकिन इन दी एंड हमें ये पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे करियर को आगे बढ़ाने के लिए या फिर जहाँ पर भी हम आज मौजूद हैं. आज जानते हैं उन्हीं नोटोरियस किड्स, मतलब हम जैसे बच्चों से जो मस्ती करा करते थे, ऐसा कौन सा कन्फेशन है जो वो अपने टीचर से करना चाहते हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर उन्हें बताना चाहते हैं कि ये वाली हरकत मैंने करी थी. तो चलिए जानते हैं हमारे ऑफिस के महान जर्नलिस्ट से. जैसे टीचर क्लास में आए, टीचर क्योंकि गर्ल्स कॉलेज था और वो टीचर जो सर थे वो जेंट्स थे, तो जैसे आए वो बड़े शर्माते थे क्योंकि स्मार्ट स्मार्ट लड़कियाँ होती थी वहाँ पे, मतलब सुंदर सी लड़कियाँ उन्हें परेशान करती रहती थी. तो वो फिजिक्स के टीचर थे, जैसे वो क्लास में आते हैं तो उन्होंने बुक खोली होती है कि चलो पढ़ाने के लिए आज हम ये पढ़ेंगे. जैसे उन्होंने बुक खोली और एकदम उन्होंने बुक खोली भी और ऐसे सामने रख दी, और वो जो हमने चैप्टर खोला था जो इमेजेस थे वो रिप्रोडक्शन सिस्टम की थी. और मतलब वो ऐसे पानी पानी हो गए कि मतलब उन्होंने किसी से ये भी नहीं बोल पाए कि ये क्या है और मैं इसमें क्या पढ़ाऊँ. तो उन्हें आज तक ये पता नहीं कि ये मैंने किया था. यार मेरे स्कूल डेज में से जो मुझे याद है, मेरी हिंदी टीचर्स से मेरा कन्फेशन है. क्या होता था स्कूल में, फॉर सम रीजंस मेरी हिंदी टीचर्स हमेशा मुझसे परेशान रहती थी, चाहे वो ये कॉपी कंप्लीट करने का हो चाहे वो हिंदी में कुछ हो. तो मेरा कन्फेशन ये है, अपेरेंटली मेरे कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद, अभी मैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से कनेक्टेड हूँ तो वो हिंदी है. चाहे वो मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग का काम होता है, चाहे मेरी वीडियोज़ का काम होता है, तो अभी मैं हिंदी में उस टाइम के मुकाबले काफ़ी बेटर कर रहा हूँ. तो मेरे टीचर्स को शायद वो देख के काफ़ी खुशी होगी. सो दिस इज़ माई कन्फेशन फॉर देम. मैं क्लास LKG में थी, तो आपको पता है जब हम छोटे होते हैं स्कूल में नए नए जाते हैं तो सबको इंतज़ार रहता है कब छुट्टी होगी कब छुट्टी होगी. तो मैं अपनी मैम से बार बार उनको जाके डिस्टर्ब कर रही थी कि मैम कितनी देर में छुट्टी होगी कितनी देर में, और वो मुझे बोल रही 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में. फिर वो कॉपी करेक्शन कर रही थी, मुझे इतनी ज़ोर से गुस्सा आई कि यार ये झूठ क्यों बोल रही है. मैं पीछे से गया और उनके बैग पे बहुत ज़ोर से काट लिया. इंजेक्शन लगे मैम? नहीं, इतना तो मुझे याद ही, इतनी ज़ोर से नहीं पर काफ़ी ज़ोर से काट लिया. और फिर मेरी घर पे कंप्लेन गई और फिर क्या हुआ, मैं घर पे भी पिटी जाके. मेरे टीचर थे, मुझे मैथ्स समझाते थे लेकिन वो अपने ऊपर से जाते थे. अच्छा. हाँ, लेकिन उन्होंने जो फिजिक्स समझाई हमें, जो केमिस्ट्री समझाई, तो वो बहुत हमें लर्निंग मिली जो आगे जाके हमें अपनी लाइफ में अच्छी मिली. तो अब वो पता नहीं कहाँ हैं, त्यागी सर हैं मेरे, वो पता नहीं अभी कहाँ होंगे. हाँ, वो शायद कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा रहे हैं. उनसे कनेक्शन नहीं है मेरा, वो लॉस हो गया. लेकिन उनसे बहुत सारी मेमोरी हैं. उनसे यही कहना चाहूँगा, सर आपको हैप्पी टीचर डे. क्या बात है, बड़ा बड़ा एकदम होता है ना दिल को छू लेने वाला, वैसा वाला था. पहले तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स अराउंड मी. दूसरा, मेरी हिंदी हमेशा से बहुत गंदी रही है, लाइक लिटरली आई वॉज वेरी बैड विद द मात्रास. तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मार मार के हिंदी के लिए तैयार कराती थी. और जब मेरा हिंदी का एग्ज़ाम, मतलब जब मुझे पेपर मिला था तो मेरे 50 में से शायद 3 या 4 नंबर आए थे, बाकी सारे कट गए थे. और पूरे पेपर में से ऐसे ऐसे गोले लग गए थे. तो मुझे मैम ने बोला था इसको जाके अपने मम्मी पापा से साइन करा के आना. तब मैं शायद 3rd में थी. तो ऑब्वियसली आई कुडंट गो टू माई मॉम, मुझे लगा कि वो मुझे मारेंगी. सो मैंने उसे खुद ही साइन करके पेपर को अपने बैग में छुपा लिया था. ऑल दो मैंने अपने पेरेंट्स को बाद में बता दिया था, बट माई टीचर नेवर केम टू नो अबाउट दिस कि वो साइन मेरे थे, मेरी मॉम के नहीं थे. यार मेरी मम्मी के साइन. क्या क्या, और हिंदी एडिटोरियल टीम, हिंदी सिखाओ इनको. हाँ, मेरे को अभी भी हिंदी नहीं आती है. मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर देती हूँ हिंदी में, और मैं बोलते बोलते भी ऐसे कुछ वर्ड्स खराब कर देती हूँ, मतलब हिंदी के. यार कन्फेशन तो इतना बड़ा है कि पोल खुल जाएगी. तो क्या होता है ना, आदमी मैथ्स और साइंस से बहुत ज़्यादा डरता है, और सबसे ज़्यादा डरता है उनके टीचर से. तो ये डर मेरे मन में भी था बचपन से. तो क्या हुआ यार, मैं मतलब बैठता था, आता था क्लास में और एक्टिंग करता था, एक नंबर एक्टिंग, कि मुझे सब समझ आ रहा है, मैथ्स भी साइंस भी. ऐसे 3 महीने तक मेरी एक्टिंग इतनी सक्सेसफुल रही कि किसी को पता ही नहीं चला. फिर आते हैं यूनिट टेस्ट, और जैसे ही यूनिट टेस्ट आया और मेरे आए 25 में से 0, भाई मैं पकड़ा गया. टीचर ने कहा आओ ज़रा ब्लैक बोर्ड पे. ब्लैक बोर्ड पे गए. अब वहाँ जाके उन्होंने एक क्वेश्चन दिया,
और किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो क्वेश्चन आता था फिर भी नहीं कर पाया क्योंकि डर डर था भाई डर। और उसी डर की वजह से आज अब एंकर बन गए इंडिया टीवी में, एक्टर इज इक्वल टू एंकर, बस ये सीखा हमने टीचर से। आपका लेकिन क्या किस्सा है, कौन सा ऐसा कन्फेशन है जो आप अपने टीचर से करना चाहते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ईच एंड एवरी टीचर इन दिस यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।